आज एक ग्लास दूध का इस्तेमाल करके कलाकंद जैसी मिठाई बनाएंगे। उतनी ही स्वादिष्ट और उतनी ही लाजवाब, कलाकंद जैसे ही दानेदार। लेकिन इसको बनाने के लिए ना हम मावा का इस्तेमाल करेंगे, ना ही कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे और ना ही हमें चाशनी बनानी है। आपको तो पता ही होगा फ्रेंड, जो कलाकंद मिठाई है ये फुल फैट मिल्क से बनती है। तो आज हम इस मिठाई को एक कप दूध से बनाएंगे। तो इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट मिलाएंगे जिससे कि इसका टेक्सचर और टेस्ट बिल्कुल कलाकंद की मिठाई की तरह हो जाए। तो इसीलिए मैं आप लोगों से अभी से रिक्वेस्ट करती हूँ फ्रेंड कि वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि आपके नज़रों से कुछ भी छूट ना पाए और जब भी आप इस मिठाई को बनाओ तो एकदम परफेक्ट मिठाई बने, जैसे मैंने बनाई है उसी तरह से। तो चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ नीलम, स्वागत करती हूँ आपका कुक विथ ए टू जेड रसोई में। तो इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हम स्लो गैस पे एक पैन रख देंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि दूध जब हम इसमें डालें तो तले पे दूध चिपके ना या जले ना। तो इसमें मैं एक कप दूध डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, हो सके तो इस मिठाई को बनाने के लिए फुल क्रीम मिल्क का ही इस्तेमाल करें। अब हमें दूध में अच्छे से उबाल लाना है। तो देखिए, दूध में बढ़िया तरीके से उबाल आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो मैंने यहाँ पे करीब 4 टेबलस्पून चीनी ली है। आप अपने स्वाद के अनुसार चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे कलाकंद जो मिठाई होती है उसमें थोड़ा सा मीठापन कम होता है। अब यहाँ पर आधी छोटी चम्मच के करीब इलायची पाउडर डाल देंगे। इलायची को मैंने थोड़ा सा दरदरा कूट के लिया था। अब यहाँ पर मैं 3 टेबलस्पून के करीब मोटी वाली सूजी ले रही हूँ। बारीक सूजी का इस्तेमाल इसमें ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि बारीक सूजी पकने के बाद आटे जैसी लगती है। तो मोटी वाली सूजी से इसका जो टेक्सचर है वो दानेदार आएगा। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून के करीब काजू का पाउडर डाल देंगे। काजू के पाउडर की जगह पर आप डेसिकेटेड कोकोनट भी 2 चम्मच इसमें डाल सकते हैं। मिठाई को बनाते वक्त गैस की फ्लेम को हमें एकदम स्लो ही रखना है, बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है, नहीं तो तेज़ आंच से तले पे मिठाई का मिश्रण चिपक सकता है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब घी। आप इसमें देसी घी या फिर डालडा घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 कप मिल्क पाउडर लिया है। जिस कप से हमने दूध लिया था उसी कप से हमें 1/2 कप मिल्क पाउडर डालना है। अब इन सबको अच्छे से हम पका लेंगे। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये मिश्रण कढ़ाई ना छोड़ दे। मिठाई के मिश्रण को कढ़ाई छोड़ने में लगभग 5 से 6 मिनट लगते हैं। तो आपको कंटिन्यू इसको चलाते रहना है, बिल्कुल भी 1 सेकंड के लिए भी छोड़ना नहीं है, नहीं तो मिश्रण तले से चिपक सकता है। तो देखिए, धीरे धीरे मिश्रण कढ़ाई छोड़ रहा है। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, आप लोगों के 1 सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मिठाई का मिश्रण तैयार हो चुका है। आधी छोटी चम्मच घी डालेंगे और घी डाल के इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अभी हमें गैस को बिल्कुल बंद कर देना है और इस मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने देना है 1-10 मिनट के लिए। अभी हमें बर्फ़ी को सेट करना है, तो कोई भी कंटेनर ले लेंगे। आपके पास स्टील का कंटेनर हो तो स्टील का ले सकते हैं। मेरे पास प्लास्टिक का कंटेनर था जिसे मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। इसमें हम मिठाई का मिश्रण डाल देंगे और इसको चारों तरफ से इक्वली स्प्रेड कर लेंगे। अब किसी भी चम्मच या स्पैचुला से हम इसको चारों तरफ से एकदम प्लेन कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो फिर चलिए, अब हम इस मिश्रण को फ्रिज में रखते हैं 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए। तो देखिए, 2 घंटे के बाद मिश्रण बढ़िया तरीके से सेट हो चुका है। इसके किनारे इस तरीके से हम लूज़ कर लेंगे, इसको थोड़ा सा टैप कर लेंगे तो ये मिठाई हमारी आसानी से निकल आएगी। तो ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से मिठाई हमारी सेट हो चुकी है। यहाँ पे मैंने सिल्वर वर्क लिया है, सिल्वर वर्क से इसको सजा लेंगे। अगर आपके पास सिल्वर वर्क नहीं है तो आप इसको ड्राई फ्रूट से भी सजा सकते हैं। तो फिर चलिए, अब हम इस मिठाई को कट कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, या फिर आप इसको स्क्वायर शेप में कट कर लीजिए, या फिर आप इसको रेक्टेंगुलर शेप में भी कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका शेप स्क्वायर ही रख रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, कितनी बढ़िया तरीके से हमारी ये मिठाई बनके तैयार हुई है। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही लाजवाब। आप इस मिठाई को घर पे ज़रूर ट्राई करिए। देखिए कितनी बढ़िया मिठाई हमारी बनी है, बिल्कुल दानेदार मिठाई। अभी त्योहारों का महीना शुरू हो जाएगा फ्रेंड, तो आप किसी भी त्यौहार में इसको बना सकते हैं। अभी थोड़े ही दिनों में रक्षाबंधन आने वाला है, तो इस रक्षाबंधन में आप इस मिठाई को ज़रूर बनाइए। वैसे तो बाहर की मिठाई खाने से बचना ही चाहिए, क्योंकि बाहर किस तरीके का मावा यूज़ करते हैं हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता है। तो हम जब घर में इतनी बढ़िया तरीके से मिठाई बना सकते हैं तो बाहर से मिठाई हम क्यों लाए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिए आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। स्वस्थ खाइए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।